बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जी हम लोग आ चुके हैं बाजी के घर में। तो आज है हमारे घर में बारात है, तो हम लोग सुबह सुबह भी आए हैं। आसिफ जी हम लोगों को नीचे ही छोड़ के चले गए हैं, तो हमारा सामान जो है वो जा रहा है अभी ऊपर। तो बच्चे लेके जा रहे थे, इनके पापा ने कहा कि आप लोग दोनों भाई उठा के लेके जाना, मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना। तो जी जैसे कि अभी ये लोग दोनों भाई उठा के लेके जा रहे हैं, नीचे पापा को भी देख रहे थे। पापा तो जी चले गए हैं, इनके अभी घर चलते। तो जी यहाँ हम लोग आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये है हमारी दुल्हन। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी दुल्हन को मेहंदी जो है कल लग चुकी थी, तो आज जी बारात है। तो माशाल्लाह से इसने दो भी ली है मेहंदी, बहुत प्यारा कलर आया। अल्लाह पाक इसके नसीब जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे करे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। तो माशाल्लाह से दुल्हन जो हमारी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये इसकी मेहंदी है, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, इसीलिए कि आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो। तो अब्दुलराफ़ी और सबूर जो हैं वो बैठ के मोबाइल देख रहे थे। फिर जी मैंने सारे काम, सबसे पहले मैंने कहा कपड़े आयरन करके रख देती हूँ। तो फिर जी मैंने फिर कपड़े आयरन करके रख दिए, और फिर मैंने अपने बाल को, बाल मैंने बनवा लिए थे, कल बाल करवाए थे मैंने। और जी बस उसके बाद फिर मेकअप वगैरह की तैयारी करने में लग गए थे। और आज जो आप लोगों को बाहर से बहुत शोर हो रहा होगा, इसलिए कि शादी का घर है तो मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ बैठ के मतलब वीडियो एडिटिंग करूं, पर बस यहाँ मिल गई, मैं बैठ गई। और जी ये जो सामान दुल्हन के साथ जाएगा वो सारा हम लोगों ने रेडी रखा। दुल्हन को हमने बेच दिया, वो तो टाइम से चली गई। और हम लोग जी खुद घर में मेकअप कर रहे हैं। और ये जी अब्दुलराफ़ी और सबूर आपको पता है ये तो मोबाइल में ही लगे रहेंगे, तो बस यहाँ पर मैं खुद करूँगी मेकअप। और मेरे पास तो घर में मेकअप कोई भी नहीं था, मैं जी इनका बाजी का और यहीं पर मेकअप करूँगी घर का। मुझे पोलर का मेकअप अच्छा नहीं लगता, और बाजी जो है वो जी दुल्हन के साथ गई है पॉलर, वो तैयार होगी। और बाकी हम लोग मेरी हानिया में और दुल्हन की जी ये है बहन, और ये हम लोग जी घर पे खुद से अपना मेकअप जो है वो कर रहे थे। तो बस सारा अभी जो रूम है वो बिखरा हुआ है। तो ये जी, और ये जी आईलैशेस जो है ये हम लोग सब लगाएंगे, और ये काशिश की हैं। तो बस अभी हम लोग ये सब मतलब हम लोग ये सब लगाएंगे, और बस जल्दी जल्दी से होते हैं रेडी। फिर हम लोगों को पहुंचना है बैंक्यूट में, और चले जी रेडी होकर निकलते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोग निकल चुके हैं और पहुँच भी चुके हैं। साइमा बैंक्यूट है ये डालमिया पे, साइमा बैंक्यूट है जो। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ हम लोग बस लिफ्ट पे के लिए वेट कर रहे थे तो ऊपर जाएंगे। तो बस यहाँ हम लोग रेडी हो चुके थे, कुरान पाक मेरे हाथ में था इसलिए कि कुछ ठीक फिर वीडियो नहीं बनाई। ये अम्मी है और ये हानिया थी। बस अभी ऊपर चलते हैं और फिर मिलते हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर बैंक्यूट में, मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत ब्यूटीफुल है, और साइमा बैंक्यूट माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप लोग ये देख ले, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, बहुत प्यारा है। तो बस अभी हम लोग सबसे पहले, हम लोग इसीलिए के दुल्हन वाले हैं तो हम लोग जी सबसे पहले यहाँ पर आ गए। हम लोगों ने कहा कि फिर पिक्चर वगैरह जो है वो बन जाएंगी, तो बस यहाँ पे मैं अभी थक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैं अभी बैठ गई आके, तो मैं कभी कुछ देर में फिर उठते हैं। तो फिर अभी तो ब्राइडर की जो है वो शूट वगैरह हो रही थी। तो ये जी हानिया है और ये उसकी क्यूट सी बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो दोनों माँ बेटी ने ड्रेसिंग जो है ना एक जैसी की हुई है, और माशाल्लाह से ये जी अब्दुलराफ़े है। तो बस यहाँ पे हम लोग सब अपना अपना जो भी मतलब पिक्चर लेना, जो सेल्फी लेना जो भी। तो ये ब्राइडर की जो बहन है ये वो है, वो भी अपनी पिक्चर वगैरह ले रही थी। तो यहाँ सब जी मसरूफ़ थे। और ये है जी मेरी फाइनल लुक, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट करें तो भी बारात का।
तो माशाल्लाह से जी बारात जो हम लोगों की नीचे पहुंच चुकी थी, बस ऊपर आने वाली, सब ने प्लेटों में फूल डाल दिए उनके इस्तकबाल के लिए। तो जी बारात जो ऊपर आने वाली है, तो मैंने किसी की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, किसी का चेहरा नहीं दिखाती। तो बस मैंने कहा चलो मैं जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। और ये जो है ये मेरी सबसे बड़ी बाजी है, दुल्हन की अम्मी। तो बस अभी हम लोग सब यहाँ पर बारात का इंतज़ार में थे कि वो लोग ऊपर कब आएंगे। और ये अब्दुराफे और जी दुल्हन की बहन जो है वो दोनों लगे हुए थे। राफे कह रहा था कि मैंने भी फूल जी डालने हैं। तो बस यहाँ पे अब्दुराफे जो नीचे से भी फूल उठा रहा है, बहुत गलत बातें पर जी ये लगा हुआ था, बहुत तंग करता है। अब्दुल सबूर जो है वो बिल्कुल नहीं तंग करता, अब्दुराफे जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है। तो फिर जी बारात को आने में भी टाइम था, मैं तो खड़े होते होते बहुत थक गई। फिर मैंने कहा अभी बैठ जाते हैं जब वो आएगी। लिफ्ट नीचे मतलब आ चुकी थी, ऊपर जो वो अब तक नहीं आ रहे थे, तो मैं तो बैठ गई। मैंने कहा चलो अभी आती है तो फिर वापस से उठ जाते हैं। तो बस यहाँ अब्दुल सबूर है, इसको मैंने कहा आप भी ले लो फूल, कहता नहीं मुझे नहीं डालने हैं। तो बस मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो अभी आती है तो फिर जी उठते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जी हमारी दुल्हन है और हमारे दुल्हे साहब हैं। तो यहाँ पे उनकी फ़ोटोशूट हो रही थी, वो स्टेज पे आके बैठ चुके थे। फिर उसके बाद जी खाना लग चुका था और हम लोग खाना निकालने आए थे। तो खाने की मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए कि खाना जैसे लगा तो बहुत सारी रश हो गई थी, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से खाना तो बहुत 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 अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो बस ये वाले टेबल पे जो है सारी हमारी फैमिली थी। तो जी खाने में था गाजर का हलवा, टिक्के थे, बिरयानी थी और कुन्ना था, मटर का कुन्ना था। तो बहुत अच्छा खाना था। तो बस खाने के बाद जी रुखसती का आ जाता है टाइम। तो यहाँ पे जी रुखसती हो रही है, बस रुखसती होती फिर हम लोग भी घर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी माशाल्लाह माशाल्लाह हर काम जो बहुत अच्छे तरीके से हो गया और दुल्हन जो है वो रुखसत होके अपने घर चली गई है। तो यहाँ पे अब जी हम लोग बस एक एक कप पियेंगे चाय और फिर बस हम जाएंगे। पूरा बैंक्यूट जो है वो खाली हो चुका था, तो बस हम लोग सारी फैमिली थी, हम सब एक साथ जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो एक एक कप पीते हैं चाय और फिर चलते हैं घर पर। तो यहाँ पे जी हम लोगों को सबको वो चाय निकाल के दे रहा था। मैंने कहा चलो सर्दी भी है तो चाय पी के तो फिर घर की तरफ निकलते हैं। घर जाने में भी इसलिए घर जाते जाते बहुत टाइम हो गया, ये 2 बजे का टाइम होगा। रुखसती होते होते मतलब 2 बज चुके थे। तो बस अभी बस निकलते हैं, चाय पीते हैं। गरम गरम चाय थी तो यहाँ पर मैं जी चाय ले कर अपनी बैठ चुकी हूँ, बाकी भी सब बैठे हैं। तो यहाँ पे जी सब खाली हो चुका है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से सब खाली हो चुका है, ये अम्मी है तो बस हमारी फैमिली है, बस चाय पीते हैं और फटाफट से जी घर के लिए निकलते हैं। तो यहाँ मैं बैठने की दूसरी जगह पे आई और जब मैं यहाँ पर आके बैठी ना तो नीचे जी गिरी हुई थी चाय। फिर मैंने कहा चलो अब साइड में होकर बैठ जाती, किसी बच्चे वगैरह से गिर गई होगी चाय। तो बस अभी जी चाय हमने पी, अब जी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए बस। और जी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज का बारात का व्लॉग जो आप लोगों को कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, इसलिए कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जी चलते हैं घर, बाहर जब हम निकले ना तो हमें जी सर्दी का पता चला, इसीलिए कि आज ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो चले बस अपना व्लॉग जो आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। और आप सबको बस जी मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।